नमस्कार दोस्तों, मैं समय समय पर आप सबके लिए बॉलीवुड से जुड़ी मज़ेदार खबरें लेके आती रहती हूँ। आज भी मैं आपके लिए एक ऐसी ही खबर लेके आई जो जुड़ी है रेखा की ज़िंदगी से, और आज से पहले आपने इसे कभी नहीं सुना होगा। अमिताभ बच्चन को कुली के सेट पर बहुत बुरी चोट लग गई थी। शॉट के बीच ही वो बोले, मुझे लग गई है। इसके बाद वो वहाँ से चले गए, डॉक्टर को दिखाया और टेस्ट करवाया तो पता चला कि अमिताभ बच्चन की आंतों में गहरी चोट आई है। उनका ऑपरेशन किया गया पर स्थिति बिगड़ती चली गई। अमिताभ को मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल ट्रांसफ़र किया गया, जहां वो कोमा जैसी स्थिति में पहुंच गए थे। कुछ मिनटों के लिए तो उन्हें क्लिनिकली डेड भी घोषित कर दिया गया था। एक तरफ जया बच्चन अपने पति अमिताभ की सलामती के लिए हर मंदिर और दरगाह जा रही थी, वहीं दूसरी ओर देश दुनिया भर से लोग अमिताभ बच्चन से मिलने आ रहे थे और दुआ कर रहे थे। लेकिन एक ही इंसान को अमिताभ बच्चन से मिलने की इजाज़त नहीं थी और उसके अस्पताल में जाने पर भी पाबंदी थी, वो थी रेखा। यासिर उस्मान की किताब के मुताबिक रेखा को अस्पताल में घुसने की परमिशन नहीं थी। जो इंसान जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था, रेखा उसे देख भी नहीं सकती थी। उस वक्त ऐसी खबरें आईं कि जया बच्चन नहीं चाहती थी कि रेखा का साया भी उनके पति अमिताभ पर पड़े। वह उन्हें अपने पति के आस पास भी फटकने नहीं देना चाहती थी। ये बात डायरेक्टर प्रकाश मेहरा को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा था, सब भूल जाओ, रेखा को एक को स्टार होने के नाते मिलने देना था, वहाँ वो आदमी मर रहा था। एक रिपोर्ट के अनुसार रेखा एक दिन सुबह सुबह सफ़ेद साड़ी पहने और मेकअप किए बिना अमिताभ बच्चन से मिलने हॉस्पिटल पहुँची और जैसे तैसे परमिशन ले ली। रेखा वहाँ अमिताभ बच्चन के कमरे के बाहर कुछ देर खड़ी रही और चुपचाप प्रार्थना करने लगी। रेखा ने फिल्म फेयर से उस बारे में कहा था कि जो 27 सालों में मैंने नहीं सीखा, वो उस एक्सीडेंट ने 6 महीनों में ही सिखा दिया। इसने मुझे अधिक बेहतर और मजबूत बनाया। रेखा ने आगे कहा था, जरा सोचो, मैं उस इंसान से अपने जज्बात भी बयान नहीं कर पा रही थी। महसूस नहीं कर पा रही थी कि उस इंसान पर क्या बीत रही होगी। रेखा ने फिर कहा था, मौत भी इतनी बुरी नहीं होती, मुझे वो बेबसी मंजूर नहीं थी। भले ही मुझे मौत आ जाती और मैं मर जाती। तो ये थी बॉलीवुड से जुड़ी हुई एक और मज़ेदार खबर। ऐसी मज़ेदार खबरें जानने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।